पे अपने ग्रुप का वेट कर रहे हैं। जब सब लोग सारे मेंबर्स आ जाएंगे तब हम लोग यात्रा करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सब लोग थक चुके हैं, तो पहला ये हमारा रेस्ट है। पहला पड़ाव हमारा जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एम से बोलो जय माता दी। फर्स्ट ग्रेड। सबसे पहले तो आरव जिसका चैनल है वही थक गया था। जी नहीं। माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं, तो रुकने के कारण वो रुक कारण नहीं थे, वो रुक के वो देख रही थी कि भैरवनाथ आ रहा है कि नहीं। तो जब वो रुकी तो उनके जो चरण पादुका थे ना वो इस स्थान पे मतलब उतर निकल गए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम रखा गया चरण पादुका। अरे थक गए हो बहुत ज्यादा? हाँ देखो थक गए हो, टायर्ड भैया। ये देखो बेटू, ये देखो हम लोग कितने नीचे से आए, देखो इधर देखो। चलो ब्लॉगर तुम आ रहे। हम लोग माता जी के दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आरव? भैरवनाथ के दर्शन करने। और कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था इसलिए वहाँ पे ब्लॉग नहीं बन पाया, तो अब भैरवनाथ कभी नहीं बन पाएगा। और हम लोग भैरवनाथ केबल कार से जा रहे हैं, तो देखिएगा। गाइस इतनी गरीबी आ गई है कि इतनी किसी जगह में बैठना। अच्छा गाइस इतनी कौन से कार आ रही है? मुझे देखी टिप्पणी बड़ी आ गई। हां बड़ी गाड़ी है, मोबाइल का क्यों है? तो गाइस हम लोग यहाँ पे केबल कार में बैठकर भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। हिमानी, आरव, बाहर का भी लोग, ये लोग बाहर से, नीलम बाहर का लोग बाहर का है। मैम आप लोग इधर, थोड़ा सा चल गया है मेरा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। चलो और सब बढ़िया। माता जी के दर्शन करके और भैरवनाथ के दर्शन करके वापस कटरा लौट रहे हैं।
और जय माता दी। बस यही तक। और हम लोग ने माता दी के बहुत अच्छे दर्शन किए। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।